जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे खेती की नई तकनीक भी किसानों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। इन दिनों ऑर्गेनिक खेती को किसान भाई तेजी से पसंद कर रहे हैं, क्योंकि केमिकल युक्त खेती से जहां किसानों को महंगाई का सामना करना पड़ रहा था, तो वहीं इस ऑर्गेनिक खेती के द्वारा सस्ती खाद और बेहतर उपज किसान पैदावार कर रहे हैं। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर दीपक मेहंदी रत्ता कहते हैं कि खेती में मुनाफा कमाने के लिए हमें पुरानी तकनीक को छोड़ना होगा और नई तकनीक को अपनाना होगा। पहले खेती करने के जो तरीके थे वह अब काफी पीछे जा चुके हैं। अब हमें नई तकनीक के साथ आगे बढ़ाना है और ऑर्गेनिक खेती को भी बढ़ावा देना है। केचुए के द्वारा बनाई जा रही खाद से हम अच्छी उपज पैदा कर सकते हैं, तो वहीं गोमूत्र के द्वारा हम कीटनाशक दवाई भी बना सकते हैं। गोबर की खाद के द्वारा अच्छी उपज ली जा सकती है। कीटनाशक दवाइयों की बात करें तो कीटनाशक दवाइयाँ हमारे स्वास्थ्य को बहुत नुकसान पहुँचाती हैं, क्योंकि कीटनाशक दवाई का प्रयोग करने का जो सही तरीका है उसको हम अपनाते ही नहीं, बस अंदाजा लगाकर हम उसका छिड़काव कर देते हैं। अगर अधिक मात्रा में केमिकल खेती में चला जाए तो उससे हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होता है। जहां तक हो सके हमें इनकी कीटनाशक दवाइयों से बचना चाहिए। आज सबसे अच्छी तकनीक ड्रोन के द्वारा खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। ड्रोन के द्वारा हम बेहतर तरीके से कीटनाशक ऑर्गेनिक कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं और फसलों को कीट पतंगों से बचाया जा सकता है। जैसे अभी ड्रोन की योजना चल रही है, ड्रोन के द्वारा आप खाद का स्प्रे कर सकते हैं, खेत के अंदर आप दवाइयों का स्प्रे कर सकते हैं। बहुत कम तो एक सा स्प्रे होगा, उससे लागत भी कम आएगी और मटेरियल भी कम लगता है। तो अगर इन चीज का प्रयोग करेंगे तो ड्रोन एक बहुत अच्छी नई तकनीक है जिसको किसान भाई अपने खेत में इस्तेमाल कर सकते हैं। खुद भी उसका एक लाइसेंस लेकर के और ले सकते हैं, छूट भी उसके ऊपर सरकार के द्वारा दी जा रही है। अगर ड्रोन दीदी कॉन्सेप्ट अभी सरकार ने बनाया है तो गाँव में महिलाओं को ड्रोन दीदी के रूप में प्रशिक्षित किया जा रहा है और वो ड्रोन किराए पर गाँव में खेतों में चलाएंगे। तो खेतों के अंदर एक सामान्य, क्योंकि हम लोग जब स्प्रे मशीन से करते हैं तो कई बार सामान्य एक सा नहीं हो पाता है। दूसरा हम जो कीटनाशक है या जो भी हम छिड़क रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी मात्रा भी ज़्यादा लगती है। तो इसको मात्रा भी बचेगी, समय भी बचेगा, बहुत थोड़े से समय में हो सकता है और एक साल भी मिलेगा। तो इस तरीके से जो नया तकनीक ड्रोन आया है, ड्रोन का इस्तेमाल हमारे किसान भाई करें और भी जो तकनीकें समय समय पर आती रहती है उनका भी इस्तेमाल करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर खेती अच्छी।